हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज लेट जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिटन एज जेड इक्वल टू 1 माइनस आई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई कॉस थीटा, वेयर आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 1। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ जेड? यहां पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्रॉपर्टी देख लेंगे। अगर जेड वन और जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो मॉड ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू इक्वल टू, लिख सकते हैं इसको, मॉड ऑफ जेड वन अपॉन मॉड ऑफ जेड टू। और मॉड कैसे फाइंड करते हैं? अगर हमें जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ए प्लस आई बी, तो इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, जो हमें जेड दे रखा है 1 माइनस आई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई कॉस थीटा, तो एक तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसको Z1 से डिनोट कर लेते हैं, और इसको Z2 से। तो अगर हमें इसका मॉड निकालना है, मॉड ऑफ 1 माइनस आई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई कॉस थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ 1 माइनस आई साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ 1 प्लस आई कॉस थीटा। इनका सेपरेट मॉड निकाल लें। देखिए, 1 माइनस आई साइन थीटा, इसका जब हम मॉड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमें किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।